अस्सलाम वालेकुम, डायबिटीज इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर, आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों के फीडबैक्स का जो हमारे प्रीवियस शोज से हमें मिले। जहाँ हम बात करते हैं हर वक्त कि शुगर को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, तो उसके पीछे वजह होती है उस शुगर से रिलेटेड तमाम कॉम्प्लिकेशंस, तमाम पेचीदगियाँ जो कि एक शुगर के मरीज को हो जाती हैं जब शुगर रहती है अनकंट्रोल। हमारा हर वक्त का एक ही गाइडलाइन होती है कि अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि अगर शुगर अनकंट्रोल रहती है तो उसके ज़रिए हमारे पूरा जिस्म, सर से लेकर पांव तक, हर शरियान, हर शहे रग, हमारी हर चीज़ जो है वो मुतासर होती है सिर्फ़ और सिर्फ शुगर के बढ़ने की वजह से। यही एक हिस्सा हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो है आँखें। आँखें खुदा की नेमत है, सुनते आए हैं हमेशा से। शुगर के बढ़ने की वजह से जब सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो ये ऑर्गन है हमारा वो है आँखें। तो आँखें किस तरीके से शुगर को मुतासर करती हैं और क्या उसकी वजह से बिनाई भी जा सकती है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल इकबाल लाहौर से। वेलकम डॉक्टर साहब। हमारा प्रोग्राम आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया है डायबिटीज़ के साथ आई डिजीज़ के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बढ़ती हुई शुगर आँखों को मुतासर करती है और ये स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि एक तिहाई डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको आँखों की बीमारी हो जाती है और वो आखिर में बिनाई के ज़ाया होने का सबब बनती है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस बारे में कि डायबिटीज़ किस तरीके से आँखों को मुतासर करती है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सनिया, आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट और इतने जो है वो कॉमन इशू के ऊपर बात करने का मौका दिया, एंड आई होप कि मेरी जो बात होगी वो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग इससे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं उनसे मुतालिक जो है वो उनको बहुत फ़ायदा दे। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। 2013 से जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें LRBT आई हॉस्पिटल और अब प्रेजेंटली अलहसान आई हॉस्पिटल और अपना प्राइवेट क्लिनिक, ये दो तीन जगह हैं डिफरेंट जहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे चाहे वो मेरा प्राइवेट पेशेंट है जो कि डिफेंस में है रहता है या वो एक ऐसा पेशेंट है जो कि चीज़ों की मलियाँ से या कहीं और से आया है, उन सब का जो इंफॉर्मेशन लेवल है वो तकरीबन एक जैसा है। डायबिटीज़ के बारे में हमारी आवाम में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं और डायबिटीज़ और आँखों के ऊपर उसके असरात से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पे हम बिल्कुल किसी चीज़ की केयर नहीं कर रहे और हम उसको जो है बहुत लाइटली ले रहे होते हैं। सो बेसिकली हमें जो डायबिटीज़ है उसका जो आँखों के ऊपर असर है उसके बारे में आइडिया ही नहीं होता। अमूमन ऐसे होता है कि पेशेंट की एकदम जब पूरी बिनाई चली जाती है तब जाके उसको होश आता है कि जी मैंने अपनी आँखों का मुकम्मल मुआयना करवाना है। मैं बेसिकली दो तीन चीज़ों के साथ जो है ना वो इसको आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ हमारी आँखों को किस तरीके से अफेक्ट करती है। हमें सबको पता है कि जिस वक्त शुगर बढ़ेगी, शुगर बढ़ने के बाद हमारी शरियानों के ऊपर उसका असर होता है और वो शरियाने चाहे दिल में हों, चाहे वो गुर्दों में हों, चाहे वो हमारे अज़ा में हों जिसमें हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, टांगें हैं, या हमारा दिमाग है, या हमारी आँखें हैं, या कोई भी हिस्सा हमारे जिस्म का ऐसा नहीं जिसमें शरियाने मौजूद नहीं। अब ये इन शरियानों के ऊपर जब इंक्रीज शुगर लेवल यानी शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसका असर होता है, तो उनके ऊपर आहिस्ता 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 उनके लीकी होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस वक्त ये लीकी हो जाती हैं तो इसमें खून का जो बहाव है वो उतना अच्छा नहीं होता और आहिस्ता 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 ये सिकुड़ जाती हैं और इनके अंदर से जो एक खून की मकदार सप्लाई होनी चाहिए किसी भी ऑर्गन को वो कम हो जाती है। इसी तरीके से जब ये सारा का सारा प्रॉब्लम हमारी आँख के अंदर पेश आता है तो हमें आँख में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं जिसमें सफ़ेद मोतिया है, जिसमें काला मोतिया है, जिसमें पर्दे के ऊपर डायबिटीज़ के असरात हैं और इसके अलावा जो है वो हमारी जो नर्व सप्लाई है उसके ऊपर डैमेजेस नज़र आ रहे होते हैं, हमारे डिफरेंट जो मसल्स हमारी आँखों को कंट्रोल कर रहे हैं उसके ऊपर डिफरेंट डैमेजेस नज़र आ रहे होते हैं। सो ये इन तमाम तर जगहों पे इन तमाम तर डिफरेंट तरीके से आँख को अफेक्ट कर सकती है। तो सर ऐसे कौन सी अलामत होती हैं जो एक डायबिटीज़ के मरीज को उनको पहले से ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो आँखों की ये जो मसला है वो डायबिटीज़ की वजह से ही हो रहा है
और ये वो तमाम अलामत हैं जो कि सिर्फ नज़र की कमज़ोरी नहीं हुई है बल्कि वो ज़्याबतीस है जो कि आँखों की बिनाई को भी मुतासर कर रही है, और किस तरीके से जो है वो एक मरीज़ को आँखों की बीमारी की पहचान होनी चाहिए। डायबिटीज के मरीज को इस तरीके से पहचान होती है किसी भी आई के प्रॉब्लम की कि जब उसकी एनक का नंबर जो है वो बार बार चेंज हो रहा हो। डायबिटीज के अंदर बहुत कॉमन चीज़ है कि आपकी जैसे शुगर ऊपर गई या बहुत नीचे गई तो उसके साथ जो है वो आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो गया। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जिन लोगों का सफ़ेद मोती का ऑपरेशन नहीं हुआ होता, उनके अंदर उनका नेचुरल लेंस मौजूद होता है तो ये लेंस जो है वो स्वेल करता है, ख़राब होता है, जैसे शुगर हमारी ऊपर जाती है ये नीचे आती है। सो एक तो अलामत ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर आपकी ऐनक का नंबर एक जगह पे टिक नहीं रहा और मुस्तकिल ऐनक के नंबर बढ़ाने के बावजूद आपको जो है वो नज़र ठीक नहीं आ रहा, स्पेशली जब आपको सेंटर वाली जगहें या अपनी पूरी की पूरी फील्ड में कुछ ऐसी जगहें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जहाँ पे डैमेज ज़्यादा है और आपको लगता है कि जी सेंटर से मुझे जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, या मैं जब तेज़ रोशनी में जाता हूँ तब मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या मैं जब कम रोशनी में आता हूँ तब मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या मेरी आँखों के ऊपर किसी गैर ज़रूरी दबाव या किसी गैर ज़रूरी जो है वो रड़क या गैर ज़रूरी जो पहले नहीं होती थी उस किस्म के कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, तो मरीज़ को पता चल जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम मेरा शुरू हो चुका है, डायबिटीज़ की वजह से मेरी आँख पे डैमेज होना शुरू हो गया। अब ये डैमेज जो है वो किस तरीके से होता है, ये डैमेज आपका सिंपली ड्राई आइज़ के फॉर्म में भी हो जाता है कि हमारी आँखों में आंसुओं की मकदार कम हो जाए। दूसरा ये डैमेज इस फॉर्म में भी हो सकता है कि आपको काला मोतिया हो रहा है, आँख का प्रेशर बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो है वो जो आपकी बिनाई है वो साइडों से जाना शुरू हो गई है। तीसरी वजह यह है कि आपका जैसे लेंस मैंने बताया कि स्वोलन हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, सफ़ेद मोतिया होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, या आपके पर्दे के ऊपर किसी ऐसी जगह पर सोजिश आ गई है जहाँ से नज़र बन रही है बहुत ज़्यादा और वो इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ से आपको नज़र आ रहा था और एकदम जो है वो सोजिश होने की वजह से नज़र आना बंद हो गया। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको महसूस होंगी और कई कुछ ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको शायद 20 या 30% लोगों में पता चलें और वो इतने इंटेलिजेंट होकर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। इसी जगह पे मैं ये चीज़ बहुत अहम समझता हूँ बयान करना और लोगों की याद दहानी कराना कि आँखों की बीमारी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती लेकिन आपके मालिज को जब आपका पुट्टी पिला के मुआयना किया जाता है तो उसको नज़र आती हैं। सो आपका मुआयना उस सूरत में भी मुमकिन है कि जिस वक्त आपको ये सारी अलामात नहीं महसूस हो। राइट, सो हमारे पास जितने भी ज़्याबतीज़ के मरीज़ आते हैं हमारी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और हर एक जो ज़्याबतीज़ का माहिर होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने मरीज़ों को ज़रूर कहते हैं कि आप आँखों का मुआयना ज़रूर करवाइए और कुछ उसकी ज़ाहिर फ्रिक्वेंसी भी होती है। बीइंग एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, आप क्या प्रेफर करते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंटली जो है वो एक ज़्याबतीज़ के मरीज़ को आँखों का मुआयना करवाना लाजमी होता है और वो कौन सी ऐसी जो है वो अलामत हैं और कौन से ऐसी जो है निशानदेही है कि जिसकी बिना पर तो उन्हें फ़ौरन एमरजेंसी में डॉक्टर को विज़िट करना लाजमी होगा। अच्छा, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपको बताया कि गैर महसूस तरीके से आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है और पेशेंट को पता नहीं चलता, सो ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमेशा हमें जहन नशीन याद दहानी रखना चाहिए, इसको बार बार सोचना चाहिए। जैसे ही आपको शक पड़ता है कि प्री डायबिटिक है या न्यूली डायग्नोस डायबिटिक है, चाहे वो टाइप 1 है, चाहे वो टाइप 2 है, चाहे वो किसी भी तरीके का डायबिटिक है, चाहे वो प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ है, चाहे वो आपकी किसी ड्रग इंड्यूस डायबिटीज़ है, किसी भी तरीके की रिसेंटली डायग्नोस डायबिटीज़, यानी आपको जैसे ही पता चला कि आपको डायबिटीज़ हो गई है उस वक्त आपकी आँख का मुआयना लाजमी है। इसकी वजह यह है कि हमारी आँख के ऊपर डायबिटीज़ का जो नुकसान होता है, जो असर होता है, वो हमारी डायबिटिक एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा 18 साल का है लेकिन उसको 12 साल से डायबिटीज़ है तो उसकी डायबिटिक एज यानी 12 साल का जो शुगर का असर है उसकी आँख के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में नज़र आएगा।
इसी तरीके से अगर एक खातून 60 साल की है लेकिन उसको एक साल से डायबिटीज़ है, ऑल्दो उसकी डायबिटिक एज एक साल है, यानी एक साल से वो इस मर्ज में मुबतला है, लेकिन उसको मुआयना लाजमी है, चाहे वो छोटा बच्चा है 10 साल का, चाहे वो बूढ़ा बाबा है 70 साल का, हर सूरत में जैसे ही शुगर उसको डायग्नोज हो गई, उसको पता चल गया, उसका आँखों का मुआयना होना चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि अगर आंख के ऊपर किसी किस्म का डायबिटीज़ का असर नहीं हुआ और आपकी आंख ऑलमोस्ट नॉर्मल है तो उस सूरत के अंदर आप सालाना मुआयना करवा सकते हैं। लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी ETDRS स्टडी है जो कि आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं और ये एक जानी मान्य स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक आपको आपका मुआलज 3 महीने से लेके 6 महीने के दरमियान आपकी बीमारी की सेवेरिटी, यानी अगर आपकी बीमारी जो है वो ज़्यादा ख़राब है तो उस सूरत में बुला सकता है। और अगर आपकी आंख में बिल्कुल ही खून उतर आया है जिसको हम कहते हैं विट्रस हैमरेज, तो उस सूरत में तो वो आपको समझने के हफ्ते में एक दफ़ा भी बुला सकता है। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी आंख की कंडीशन क्या है। अगर आंख की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, डायबिटीज़ का अभी तक कोई असर नहीं हुआ तो उस सूरत में सालाना मुआयना, अदरवाइज जैसे आपका मुआलज बता रहा है 3 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान आपने बार बार उसको चेक करवाना है ताकि अगर आंख के अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है या हो रही है तो उसके बारे में उसका इलाज किया जाए, उसका सदेबाब किया जाए और उसको बिल्कुल बढ़ के मुकम्मल बिनाई खोने से पहले पहले पकड़ के उसको बचाया जाए। हम सब ये जानते हैं कि डायबिटीज़ और आपकी इतनी जो आपने हमें जवाब दिए और इतनी मुफीद मालूमात दी, तो हम सब ये जानते हैं कि अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहे तो वो आँखों की शदीद किस्म की तकलीफ़ और बिनाई के ज़ाया होने का भी सबब बनती है। लेकिन सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर को विज़िट करना और इतना फ्रिक्वेंट विज़िट करना हमारे यहाँ लोग नहीं करते, इसकी वजह ये भी होती है कि तालीम की शऊर की कमी होती है और हम डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी पूरी कोशिश है कि हर आम इंसान तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हम इस बात को बहुत जितना हो सकता है हम आगे बढ़ाएं कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर के बढ़ जाने को नहीं कहते बल्कि शुगर के बढ़ने से जिस्म का हर वो आज़ा मुतासर होता है और उसको कैसे बचाया जा सकता है हम उसकी बात करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम आप तक और अपने तमाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारी कोशिश ये है कि दुनिया भर में हम डायबिटीज़ से मुतालिक जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं उसके बचाव की तरफ और उसकी इलाज की तरफ हम बात कर सकें, हम लोगों को ये बता सकें कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर का बढ़ जाना नहीं है, डायबिटीज़ सिर्फ शुगर के लेवल्स को ठीक करना नहीं है, डायबिटीज़ एक पूरे जिस्म को मुतासर करने वाली बीमारी है जो आँखों से लेकर पाँव तक, सर के बालों से लेकर जिल्द तक, सुनने की सलाहियत से लेकर महसूस करने की सलाहियत तक सबको मुतासर करती है। तो सर मुझे ज़रा ये बताइए कि हमारे यहाँ जो आवाम इस चीज़ को ये समझती है कि हर आँख का जो मसला है वो नज़र का मसला होता है और हम हर जो है वो गली में हर नुक्कड़ पे हमारे पास नज़र चेक करने वाले मौजूद होते हैं तो उनके पास जाके नज़र का चश्मा बनवा के इसका इलाज कर लिया जाता है, जबकि असलियत में वो होता यह है कि डायबिटीज़ चूँकि अनकंट्रोल हुई हुई होती है और वो किसी ना किसी तरीके से अलामत दे रही होती है। तो सर अगर इस चीज़ पे तवज्जो ना दी जाए तो किस हद तक इम्कानात होते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ अपनी बिनाई खो देते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने समराइज़ किया कि अगर हम सिर्फ ऐनक का नंबर चेक करवा लेते हैं या नज़र चेक करवा लेते हैं और जाके जो है वो समझते हैं कि जी बिल्ली नहीं आ रही और हमने जो है वो कबूतर ने अपना सर जो है वो ज़मीन में दबा लिया है तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। सो ऐसे लोग जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और वो अपना ख्याल नहीं रखते और डायबिटीज़ मुस्तकिल 400-500 पे चली जा रही है या इवन अगर 300 प्लस पे भी जा रही है और उनका HbA1c जो है वो 8 प्लस में जा है कहीं पे, तो उन लोगों के अंदर आपकी 1/3 ऑफ दी आईज जो है वो वक्त के साथ साथ अपनी बिनाई खो सकती हैं और परमानेंट ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर चलूँ कि बेसिकली स्टार्ट के अंदर होता ये कि हमारी शरियाने सुकड़ना शुरू होती हैं और उसमें चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस हमें सिर्फ सिग्नल दे रही होती हैं कि मसला ख़राब हो रहा है, संभल जाओ, सुधर जाओ और इसको जो है वो कंट्रोल कर लो।
फिर उसके बाद जो है वो जब उनकी हैयत और स्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू होता है तो वो शरयानी जो उनका मेजर काम है खून की सप्लाई देना वो कम कर देती हैं और फिर आहिस्ता 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 बंद होने की हद तक चली जाती हैं। जिस वक्त ये शरियाने बंद हो जाती हैं तो उस सूरत के अंदर हमारा पर्दा जो कि उसकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन और उसकी खून की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है वो समझने के उस तरीके से आपको रिएक्ट कर रहा होता है जैसे किसी शख्स का आपने गला दबा दिया है और उसको सांस नहीं आ रहा और वो सांस के लिए जो है वो हकला रहा है और अजीब व गरीब उसकी हरकत हो रही है। इसी तरीके से हमारी आँख का पर्दा जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, सूज जाता है, उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं कि आपकी डायबिटीज़ की वजह से मेरे जो हालत है वो ख़राब हो गई है। अब उस सूरत के अंदर अगर उन तमाम तर जगहों से जो कि गैर ज़रूरी हैं वहाँ से अगर शरियानों को ख़त्म करके वहाँ से ऑक्सीजन डिमांड को ख़त्म करके इस पर्दे की तरफ नहीं ट्रांसमिट किया जाता बाय द फॉर्म ऑफ लेज़र या बाय द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस तो तब तक जो है वो ये आहिस्ता 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 बिगड़ता 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 टोटली ख़राब हो जाता है। जिस वक्त हमारी शरियाने टोटल बंद हो जाती हैं उस सूरत के अंदर न्यू वैस्कुलराइजेशन होती है जिसको हम कहते हैं कि नई शरियाने जो कि फ्रेजाइल हैं जो कि अभी बहुत नई नई हैं और उनमें से खून गुजरने की ताकत इतनी नहीं है तो ये जो वेसल्स हैं जिस पर ये बनेंगी और ये फट पड़ेंगी क्योंकि ये नाजुक होती हैं ये उस तरीके से दबाव नहीं सह सकती तो हमारी आँख के अंदर पूरा का पूरा खून भराएगा। जिस वक्त हमारी आँख के अंदर ये सारा का सारा खून उतर आता है तो उस सूरत के अंदर हमारी आँख जो है वो देखना बंद कर देती है। वो इस तरीके से होता है जैसे एक कमरे के अंदर धुआं भर गया है और उसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा आर या पार तो यकदम जो है वो मरीज़ को देखना बंद हो जाता है। हमारा मरीज़ जो है वो आता ही उस सूरत में है जिस वक्त उसको दिखना बंद होता है। जिस वक्त तक उसकी इवन 30% तक भी नज़र मौजूद होती है वो उसी 30% के ऊपर तकिया करके जो है वो सर नीचे दबा के बैठा होता है कि भाई अभी मेरा गुजारा हो रहा है और मैं जो है वो डॉक्टर के पास ना जाऊँ। लेकिन वो जो ना जाना है और वो प्रॉपर इलाज ना करवाना है वो आइंदा आने वाले टाइम में कितना नुकसानदेह होगा ये उसको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं फिर वो इस चीज़ से तंग आ जाते हैं कि जी डॉक्टर बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं आँख के अंदर, डॉक्टर बार बार लेज़र कर रहे हैं, डॉक्टर जो है उसने पहले सफ़ेद मोती का ऑपरेशन किया अब वो कहते हैं कि जी खून उतर है मुझे खून का ऑपरेशन करना है सफाई का, मेरा पैसा भी लग रहा है मेरा टाइम भी लग रहा है और मुझे बार बार आना पड़ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो 15 साल की 20 साल की शुगर ने आपकी आंख के ऊपर तबाही मचाई थी वो तो डॉक्टर ने रिवर्स नहीं की। हाँ उसकी वजह से होने वाली पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं जिस जिस लेवल के ऊपर जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सामने आती जा रही है उस तरीके से हम उसका इलाज करते चले जाते हैं। तो अगर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है और 3 लग गए या 4 लग गए या 5 लग गए या इवन कई दफ़ा 10-10, 12-12 भी लग गए अगर आपके पर्दे पर बार बार सोजिश आ रही है तो बार बार हमें उसके इलाज के लिए इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पर्दे के ऊपर बार बार जो है वो वेसल्स का प्रॉब्लम है, शरियाने बंद होने का प्रॉब्लम है, नई शरियाने बनने का प्रॉब्लम है और हमें लेज़र के साथ उनको ख़त्म करना पड़ रहा है तो वो हम बार बार लेज़र भी करेंगे तो आज आके फिर बात उसी तान पे टूटेगी कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है और अगर आप जो है वो तादेर इसको एक अच्छे रेंज के अंदर रखेंगे तब आपकी आँखों का इलाज भी प्रॉपर हो सकेगा और आपकी आंखों में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके ऊपर बेहतर तरीके से काबू भी पाया जा सकेगा। लेकिन आपको बार बार डॉक्टर के पास शायद जाना भी पड़े और आपको थोड़ा सा मेहनत और भी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी मेहनत करना होगा। अच्छा जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ टेलीकेयर अपने एक स्लोगन के साथ चल रहा है, एजुकेशन केयर एंड प्रिवेंशन, यानी कि तालीम, एहतियात और बचाव, ये तमाम ये तीन वो चीज़ें हैं। और अगर हम उसका लिंक अगर हम आँखों की बीमारी से करते हैं सर, तो हमें ज़रा ये बताइए कि क्या सिर्फ ज़्यादतीस के मरीज़ों को ही आँखों का की बीमारी का ख्याल रखना चाहिए या उनको विज़िट करना चाहिए अपने आई स्पेशलिस्ट को, या वो लोग जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ का शिकार हैं, प्री डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, उनके भी कुछ चांसेस होते हैं आँखों की इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि शुगर अपनी जब नॉर्मल सतह से ऊपर आ गई है
जिसे हम प्री डायबिटीज़ का लेबल करते हैं, क्या उन्हें भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए? क्या उनकी भी आंखें मुतासर होने का खतरा है? ठीक है, बेसिकली मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो आपने सवाल पूछा कि प्री डायबिटिक्स या जो और लोग हैं, एक आम इंसान को अपनी आंखों का एहतियात कैसे करनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड कीजिएगा, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और ये एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे यहाँ अमूमन एक कॉन्सेप्ट है और वो मिस कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने ऐनक का नंबर चेक करवा लिया तो आपकी आँख का मुआयना पूरा हो गया। अगर आपकी आँखें आपकी ग्लासेस जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं और आपको 100% नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी आँख 100% हेल्दी है। इसकी वजह ये है कि अगर आपको ड्राई आईज है, अगर आपकी आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आपके पर्दे पे किसी किस्म की सोजिश है, या आपके जो लेंस है अज्सा है उस पर किसी किस्म के चेंजेस आ रही हैं, तो ऐनक का नंबर उस सब को मास्क कर देगा। और प्रेशर और पर्दा और आंख के पीछे जुड़ने वाली नस और बाकी सारी चीज़ें जब तक प्रॉपर माइक्रोस्कोप पे ड्रॉप्स डाल के नहीं देखी जाएगी तब तक उसका आइडिया नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी नहीं है, ये डॉक्टर फैसल नहीं कह रहा, ये WHO भी यही कहता है, ये तमाम तर मुआलजीन जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बैठे हैं वो यही कहते हैं, जो कम्युनिटी आई केयर का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारे यही कहते हैं कि आपकी आँख का मुकम्मल मुआयना उसी सूरत में मुमकिन है जब उसका प्रेशर चेक हो, आपकी आँख का पर्दा चेक हो, आपकी आँख के तमाम तर स्ट्रक्चर्स के बारे में मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए। सिर्फ ऐनक का नंबर चेक करना काफ़ी नहीं है। सो इस स्लोगन को जो आप बता रही हैं, इन्फॉर्मेशन को आगे लेके इस तरीके से चल सकते हैं और केयर इस तरीके से कर सकते हैं कि चाहे आपको डायबिटीज़ है, चाहे आपको डायबिटीज़ नहीं है, या आपको ब्लड प्रेशर है, या दिल का कोई प्रॉब्लम है, या किसी किस्म का कोई अस्थमा है, या कि दवाइयाँ ले रही हैं, या जोड़ों का दर्द है, या आपका पेट ख़राब रहता है, या आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ रही है, तो उस सूरत में, या अगर बिल्कुल आप एक नॉर्मल इंसान हैं उस सूरत में भी आपकी आँख का मुकम्मल मुआयना होना लाजमी है। अब ये किसके लिए लाजमी है? ऐसे तमाम तर लोग जिनकी फैमिली के अंदर काले मोती की हिस्ट्री है, ऐसे तमाम तर लोग जिनकी फैमिली के अंदर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की हिस्ट्री है, ऐसे तमाम तर लोग जिनकी फैमिली में नज़र के चले जाने की कोई ना कोई आपको मिसाल मिलती है, ऐसे तमाम तर लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, ऐसे तमाम तर लोग जो ऐनक लगाते हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको अपना एनुअल आई चेकअप करवाना लाजमी है। ये हम पाकिस्तान में जो है वो एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी हम सब जाते हैं अपनी ऐनक का नंबर चेक करवाते हैं, नई ऐनक बनवाते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह सारा कुछ ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम आपकी आँखों का चेकअप ना करें और आपको जो है वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जो है वो सिर्फ ऐनकें लगा के बाकी आँखों को जो है वो समझने पर से कुछ डाल दिया हो, तो यकदम कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक बम की तरह फटेगी और पता चलेगा कि जी आपकी नज़र चलेगी, उसमें काला मोतिया भी हो सकता है, उसमें जो है वो आपकी कहीं ना कहीं शरियानों का बंद होना भी हो सकता है, और वो ऐन मुमकिन है कि वो शुगर की वजह से ना हो, वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाए, वो किसी और ऐसी वजह से हो जाए जिसका आपको पता ही ना हो। सो आँख का मुआयना करवाना या ना करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हर इंसान को 40 साल की उम्र के बाद सालाना अपनी आँख का मुआयना करवाना चाहिए। तो मैं अपने मेहमान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपने बहुत ही मुफ्त कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे ऑडियंस के साथ मुफीद मालूमात शेयर की। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को मौज़ू बहस बनाया कि ज़्याबतीज़ किस तरीके से आँखों को इन्वॉल्व करती है और किस तरीके से बिनाई के ज़ाया होने का सबब बनती है, तो इस प्रोग्राम के एंड करते वक्त मैं एक लास्ट मैसेज ज़रूर दूंगी कि ज़्याबतीज़ होने के साथ साथ आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कनेक्ट रहिए और डायबिटीज़ टेलीकेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको डॉक्टर से जुड़े रहने का ज़रिया बनाता है। अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए और अपनी ज़िंदगी को बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। डायबिटीज़ इनसाइट विद डॉक्टर सनिया बशीर के साथ नेक्स्ट संडे 5 PM पे ज़रूर मिलेगा एक नए मेहमान के साथ। थैंक यू।